नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। शिव भक्तों के लिए 5 जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलेगी। श्रावणी मेले के अवसर पर शिव भक्तों को रेलवे ने तोहफा दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा पटना से आसनसोल, गया से जसीडी, रक्सौल से भागलपुर और गोरखपुर से देवघर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन पूरे सावन मेले के दौरान चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय किया गया है। गाड़ी संख्या 03511 आसनसोल से पटना श्रावणी मेले स्पेशल ट्रेन 3 जुलाई से 30 अगस्त तक सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बुधवार को आसनसोल से 4:50 पे खुलकर 11:55 पर पटना पहुंचेगी। तो वहीं आपको बता दें कि वापसी में गाड़ी संख्या 03512 पटना से आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन 4 जुलाई से 31 अगस्त तक सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को पटना से 1:15 पर खुलकर अगले दिन 8:30 पर आसनसोल पहुंचेगी। इस गाड़ी में सामान्य श्रेणी के 8 और तृतीय श्रेणी के चेयर कार के 4 कोच होंगे। आगे हम आपको बता दें कि गया और जसीडी के बीच गाड़ी संख्या 03698 गया से जसीडी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रतिदिन गया से 8:55 पे खुलकर 11:45 पर पटना पहुंचेगी और वहां से 11:55 पे खुलकर अगले दिन 5:45 पे जसीडी पहुंचेगी। आगे हम आपको बता दें कि वापसी में गाड़ी संख्या 03697 जसीडी से गया श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन 6 जुलाई से 1 सितंबर तक प्रतिदिन जसीडी से 7:45 पे खुलकर 2:40 पर पटना पहुंचेगी और वहां से 2:50 पर खुलकर 5:50 तक गया पहुंचेगी। आगे हम आपको बता दें कि ये स्पेशल ट्रेन बेला गया नवादा पुनपुन परसा बाजार पटना राजेंद्र नगर पटना साहिब फतुहा अख्तियारपुर बाढ़ मोकामा जमुई और झाझा स्टेशनों पर रुकेगी। आगे हम आपको बता दें कि भागलपुर और रक्सौल के बीच गाड़ी संख्या 05508 रक्सौल से भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रतिदिन रक्सौल से 5:15 पर खुलकर उसी दिन 2:30 पर भागलपुर पहुंचेगी। आगे हम आपको बता दें कि वापसी में गाड़ी संख्या 05507 भागलपुर से रक्सौल श्रावणी मेला स्पेशल 5 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रतिदिन भागलपुर से 4:30 पर खुलकर अगले दिन 3:15 पर रक्सौल पहुंचेगी। ये स्पेशल ट्रेन सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बरौनी बेगूसराय साहिबतपुर कमाल मुंगेर और सुल्तानगंज स्टेशनों पर रुकेगी। तो वहीं दानापुर और साहिबगंज के बीच दानापुर और साहिबगंज दोनों तरफ से 9 जुलाई से 27 अगस्त तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार को गाड़ी संख्या 13236 और गाड़ी संख्या 13235 दानापुर से साहिबगंज, साहिबगंज से दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय और ठहराव के अनुसार परिचालित की जाएगी।
आगे हम आपको बता दें कि गोरखपुर से देवघर के बीच गाड़ी संख्या 05028 गोरखपुर से देवघर अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल 2 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रतिदिन गोरखपुर रात 8 बजे खुलकर अगले दिन 12:40 पर देवघर पहुंचेगी। तो वहीं आपको बता दें कि वापसी में गाड़ी संख्या 05027 देवघर से गोरखपुर अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल 3 जुलाई से 1 सितंबर तक प्रतिदिन देवघर से 7:50 पर खुलकर अगले दिन 11:20 पर गोरखपुर पहुंचेगी। यह मेला स्पेशल ट्रेन हाजीपुर, शाहपुर पटौरी, बरौनी, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर के रास्ते गुजरेगी। यह ट्रेन के साधारण श्रेणी के 13 कोच लगाए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन की तरफ से अनन्या की रिपोर्ट।